तो आज मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ फिलिप पेटिट नाम के एक इंसान की कहानी, जो एक सच्चे बहादुरी के कारनामे की है, जिसपे देखने वालों को भी आसानी से भरोसा नहीं हुआ और शायद ही फिर कभी कोई ऐसा कारनामा कर पाएगा। इस कहानी की शुरुआत होती है 1973 में पेरिस शहर से, जहाँ फिलिप पेटिट नाम का एक स्ट्रीट आर्टिस्ट रहता है, जो अक्सर स्ट्रीट पे कमाल की करतब करके अपनी ऑडियंस को खुश करता है और उसी से कुछ पैसे भी कमाता है। पर फिलिप का सबसे पसंदीदा कर्तव्य है तार पे चलना। जहाँ भी फिलिप को खूबसूरती का एहसास होता है, फिलिप वहीं पे तार बांध के करतब करने लगता था। पर एक रोज अचानक करतब करते हुए उसके दांत में चोट लग जाती है और वो डेंटिस्ट के पास जाता है, जहाँ मैगजीन में वो पढ़ता है कि न्यूयॉर्क शहर में दो बड़ी इमारतें बनने वाली हैं, जो लगभग पूरी होने वाली हैं, और ये इमारतें बनने के बाद ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कहलाएंगी, जिनका नाम है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, और उनकी ऊंचाई 100 मंजिल से भी ज्यादा है। फिलिप उस पेज को फाड़ लेता है, क्योंकि अब उसे इन टावर्स पे चलने की इच्छा थी, और वो सोचता है कि क्या वो एक ऐसे कारनामे को अंजाम दे सकता है जो शायद पहले कभी किसी ने नहीं किया होगा। असल में ये सब तब शुरू हुआ जब फिलिप सिर्फ 8 साल का था और उसके शहर में सर्कस लगी, जिसमें तार पे चलने वालों का एक ग्रुप आया था जिसका नाम था द वाइट डेविल्स, जिसमें उसने पहली बार पापा रोडी को तार पे चलते हुए देखा और उसी के बाद से वो बस तार पे चलने के कर्तव्य से मानो जोड़ सा गया। और देखते ही देखते फिलिप ने खुद ही तार पे चलने की कला को सीखना शुरू कर दिया और आखिर में सफलता भी हासिल करी। पर इतने से फिलिप को सुकून नहीं था, वो छुपके एक रात सर्कस के अंदर चला गया, जहाँ चोरी से तार पे चलते हुए उसे पापा रोडी ने पकड़ लिया। पर फिलिप के कर्तव्य को देख के पापा रोडी भी उससे इम्प्रेस हो गए और पापा रोडी ने उसे सिखाना शुरू कर दिया। पर कुछ समय बाद पापा रोडी ने जब फिलिप से कहा कि अब तुम्हें सीखना होगा कि तुम्हें दर्शकों को सलाम कैसे करना है और रिस्पेक्ट कैसे देनी है, बिना दर्शकों के आर्टिस्ट कुछ नहीं होता और बिना उनको और तार की इज्जत करे तुम परफॉर्म नहीं कर सकते। पर फिलिप में अभी भी इतनी मैच्योरिटी नहीं थी, इसीलिए पापा रोडी गुस्से में उसे बाहर निकाल देते हैं। और कुछ ही टाइम बाद उसके पिता ने भी उसे बाहर निकाल दिया, क्योंकि उनके हिसाब से फिलिप अब किसी काम का नहीं और वो बस जोकरों की तरह तार पे चलता रहता है। और फिलिप भी निकल पड़ता है अपने सफर पे। एक रोज स्ट्रीट पे परफॉर्म करने के टाइम फिलिप को अपनी तरह एक आर्टिस्ट दिखती है, जिसका नाम था एनी। पर जैसे ही फिलिप परफॉर्म करना शुरू करता है, एनी की सारी ऑडियंस फिलिप की तरफ चली जाती है और इसीलिए करतब खत्म होने के बाद एनी फिलिप पे बहुत नाराज होती है और कहती है कि तुमने आज तक के मेरे सबसे अच्छे दर्शक चुरा लिए। पर थोड़ी देर बाद फिलिप उसे मना लेता है और अपने साथ शाम में डिनर पे इनवाइट करता है, जहां वो एनी को अपने सपने के बारे में बताता है कि कैसे वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की दोनों टावर्स के बीच एक तार बांध के उस पे चलना चाहता है। एनी फिलिप से पूछती है कि इसकी ऊंचाई लगभग कितनी होगी और फिलिप बताता है कि लगभग 100 मंजिलों से भी ज्यादा और ये एफिल टावर से भी 100 मीटर ज्यादा ऊंचा है। एनी उसकी बातों से बहुत इम्प्रेस होती है और एनी भी उसके सफर में उसका हिस्सा बन जाती है। कुछ दिन बाद एनी फिलिप को उसी पार्क में लेके जाती है जहां वो अक्सर प्रैक्टिस किया करती थी, जो पार्क एनी के आर्ट स्कूल के बगीचे में था, और फिलिप को वहां प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है। वहीं पे उसे एक फोटोग्राफर देखता है जिसका नाम था जेन लुइस, जो उसकी कुछ फोटोज क्लिक करता है, और थोड़ी देर बाद फिलिप और लुइस में काफी दोस्ती हो जाती है। जॉन को अपनी उसे सपने के बारे में बताता है, पर अचानक तार टूटने की वजह से फिलिप नीचे गिर जाता है और ये देख के जॉन बोलता है कि अगर ये टावर्स के टाइम पे हुआ होता तो ये सदी के सबसे हैरतअंगेज हादसे में बदल जाएगा। इसीलिए फिलिप फिर से पापा रोडी के पास जाता है और बोलता है कि उसे सीखना है कैसे ऊंचे तार को बांधना है, मजबूत गांठ कैसे बांधनी है, तार किस तरह का हो कि उसका वजन झेल सके और टूटे नहीं। जिसपे पापा रोडी बोलते हैं कि तुम चाहते हो कि मैंने बरसों की मेहनत और अपने राज जो मैंने सिर्फ अपने बेटों को बताए हैं वो तुम्हें इतनी आसानी से बता दूं। और फिलिप कहता है कि मैं बदले में आपको पैसे दे सकता हूं, आप जितने भी चाहें। पापा रोडी फिलिप को सर्कस बुलाते हैं और एक एक करके सारी चीजें सिखाना शुरू करते हैं, जिसके बदले वो फिलिप से पैसे भी लेते हैं। सबसे पहले पापा रोडी उसे बताते हैं
कि लकड़ी के ब्लॉक्स हमेशा खंभे और तार के बीच में जरूर लगाना, ताकि खंभों के खिंच जाने पे ब्लॉक भले टूट जाए पर तार ना टूटे। और हमेशा तार को खुद ही चेक करना कि वो मजबूत बंधा है या नहीं, और जब तक खुद ना चेक कर लेना तार पे अपना कदम मत रखना। साथ ही साथ फंदा भी हमेशा मजबूत बांधना और कायदे से घुमा के बांधना, ताकि वो खुले ना। और इसी के साथ फिलिप को सर्कस में प्रैक्टिस करने का ये मौका मिलता है जब भी सर्कस खाली होती है। एक दिन खाली सर्कस में जब फिलिप तार पे प्रैक्टिस कर रहा होता है, तभी एक छोर पे पहुंचने में लगभग 3 कदम बाकी होते हैं और फिलिप तार से नीचे गिर जाता है। नीचे आने पे पापा ओडी फिलिप से बताते हैं कि पता है फिलिप कि ज्यादातर लोग एक छोर पे पहुंचते पहुंचते ही बीच में ही मर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो पहुंच चुके हैं पर वो तार पर ही होते हैं। क्योंकि जब भी तुम्हारे 3 कदम बाकी होते हैं और वो 3 कदम तुम अकड़ कर चलते हो और सोचते हो कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मतलब समझ है ना कि तुम जरूर मरोगे। और इस सबक के लिए पापा ओडी फिलिप से कोई पैसे नहीं लेते। कुछ ही दिनों बाद एक छोटे से गांव में एक झील के ऊपर पापा ओडी फिलिप को चलने के लिए बुलाते हैं, जहां शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा था। पर अचानक फिलिप का ध्यान लोगों की बातों पर जाने लगता है और घबराहट से फिलिप तार से नीचे गिर जाता है। इस बात पर फिलिप बहुत मायूस होता है, पर फिर भी वो हार नहीं मानता। और एक दिन नौतरे दाम नाम के 2 टावर्स के बीच जॉन की मदद से आधी रात में वायर बांधता है और अगली सुबह टावर्स के बीच में चलता है। और इस बार वो सक्सेसफुल तो होता है पर पुलिस उसे पकड़ लेती है। पर अगले दिन फिलिप देखता है कि उसके इस कारनामे की खबर पेपर में छपी थी, और उसी पेपर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की भी न्यूज़ छपी थी, जिसमें लिखा था कि टावर्स अब ऑलमोस्ट पूरे हो चुके हैं और नीचे की मंजिलों में लोगों ने रहना भी शुरू कर दिया है। फिलिप और एनी दोनों न्यूयॉर्क के लिए निकल जाते हैं, जहां पहली बार फिलिप सामने से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टावर्स को देखता है और चुपके से टावर की छत पे भी जाता है और उन टावर्स की ऊंचाई और उनकी शांति को पास जाके महसूस करता है। टावर्स के नीचे देखने पे फिलिप महसूस कर सकता था कि ये लगभग नामुमकिन है, पर फिर भी फिलिप मन में बोलता है कि मैं ये करके रहूंगा। वापस आने के बाद जेन फिलिप पे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि तार बांधने के लिए उसके सपोर्ट में जो लंगर बांधने थे उन्हें सेट करने के लिए अभी तक फिलिप ने कोई भी तरीका नहीं सोचा था। और जॉन के हिसाब से इतनी ऊंचाई पे हवा का दबाव इतना ज्यादा होगा कि अगर लंगर या तार जरा सा भी हिला तो फिलिप इतनी ऊंचाई से गिरेगा कि नीचे आने पे उसकी शक्ल भी पहचान में नहीं आएगी। ऊपर से तार को एक तरफ से दूसरी तरफ भी ले जाने का अभी तक कोई जुगाड़ नहीं बना था, इसीलिए जॉन बोलता है कि मैं तार को उस पार पहुंचाने का तरीका ढूंढ लूंगा, पर तुम्हें वादा करना होगा कि तुम लंगर बांधने के बारे में कुछ ना कुछ सोचोगे। और एक बार फिर फिलिप पापा ओडी के पास जाता है और पापा ओडी फिलिप को बताते हैं कि उसे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जैसे लंगर को हॉरिजॉन्टल में बांधना होगा ना कि वर्टिकल, साथ ही साथ लकड़ियों के ब्लॉक्स को रखना ना भूले और 3 तरफ हुक लगाए, सिर्फ 2 से काम नहीं चलेगा। लेकिन साथ ही साथ पापा ओडी फिलिप से बोलते हैं कि फिलिप मैं चाहता हूँ कि तुम अपने कपड़ों के अंदर एक सेफ्टी बेल्ट भी पहनो, जिसपे फिलिप गुस्सा के बोलता है कि वो अपने दर्शकों के साथ धोखा नहीं करेगा। पापा ओडी कहते हैं कि इतनी ऊंचाई पे कोई देख भी नहीं पाएगा कि तुमने कमर में सेफ्टी बेल्ट पहनी हुई है, और इसीलिए दोनों में बहस हो जाती है। पर एनी फिलिप से बोलती है कि तुम अभी जाओ उनसे माफ़ी मांगो और उन्हें मनाओ। फिलिप पापा ओडी के पास जाता है और उनसे बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, पर मैं सेफ्टी बेल्ट पहन के ये नहीं करना चाहता। पापा ओडी फिलिप से बोलते हैं कि मेरे खुद के बेटे भी तार पे चलने में बहुत माहिर हैं, पर मैं ऐसा जोखिम भरा काम उन्हें बिना सेफ्टी बेल्ट पहन के नहीं करने देता। जिस पे फिलिप पूछता है कि पर क्या आप ऐसा कर्तव्य सेफ्टी बेल्ट पहन के करते, और इस बात पे पापा ओडी कुछ नहीं बोलते। फिलिप पापा ओडी से बोलता है कि जब मैं पहली बार आपके पास सीखने आया था तब आपने मुझसे बोला था कि एक आर्टिस्ट मंच पे कभी भी झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि तुम्हें देखते ही दर्शक तुम्हारे मन की बात समझ जाते हैं, और शायद इन बातों का मतलब आज मैं समझ चुका हूँ। और पापा ओडी बोलते हैं कि शायद तुम जो करना चाह रहे हो मैं नहीं समझ पा रहा, पर बेशक उसमें कुछ बात तो ज़रूर है, कुछ खूबसूरत। और उसे अपने दादाजी का मेजरमेंट टेप और वही पैसे वापस करते हैं जो पापा ओडी ने फिलिप से हर सबक के बदले लिए थे। और अगले दिन जॉन अपने साथ एक नए दोस्त जेफ को लाता है, जो टीम में उन लोग की मदद करने वाला था। और साथ ही साथ जॉन बताता है कि उसने तार को उस पार भेजने का भी जुगाड़ ढूंढ लिया है।
फिलिप भी कर्तव्य के लिए 6 अगस्त को चुनता है और वो लोग पूरी तैयारी के साथ न्यूयॉर्क निकल पड़ते हैं। फिलिप कई दिनों तक भेद बदल बदल के अलग अलग वक्त टावर में घूमता रहता है ताकि टावर के हर एक सिक्योरिटी के बारे में अच्छे से जान सके। पर इसी बीच एक कील घुसने की वजह से उसके पैर में गहरी चोट लग जाती है और वो बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है, क्योंकि 3 हफ्ते के बाद उसे तार पे चलना था। पर फिर भी वो रुकता नहीं और बैसाखी लेके फिर से बिल्डिंग में चला जाता है। पर इस बार उसे एक आदमी मिलता है जो फिलिप को पहचान जाता है कि वो न्यूयॉर्क का नहीं है। वो आदमी फिलिप को बताता है कि उसने फिलिप को कुछ समय पहले नोटरडेम के टावर्स पे चलते देखा था और वो फिलिप का बहुत बड़ा फैन है। इसीलिए फिलिप और एनी उसे अपना पूरा प्लान बताते हैं और बैरी नाम का वो आदमी भी फिलिप के इस प्लान में उसका साथ देने को रेडी हो जाता है। एक दिन फिलिप जेन और जेफ के साथ इंटरफोन लेने जाता है ताकि वो लोग नॉर्थ टावर से लेके साउथ टावर के बीच में बिना वायर के एक दूसरे से बात कर सकें। पर शॉपकीपर उनकी बातों को समझ जाता है और इसीलिए वो लोग उसे भी अपना प्लान बताते हैं और वो भी उनकी टीम में शामिल हो जाता है। जेपी 2 और बंदों को टीम में लाता है और कर्तव्य के जस्ट एक दिन पहले फिलिप बार बार सबको प्लान बताता रहता है। एनी उसे समझाती है कि तुम सबको लगभग 21 बार पूरा प्लान बता चुके हो, पर कहीं ना कहीं सब लोग ये चीज़ जानते थे कि फिलिप अंदर ही अंदर घबराया हुआ है और जल्दबाजी में कहीं कुछ खराब ना कर दे। जिसमें एक बंदा बोलता है कि फिलिप पागल हो रहा है और क्या हम लोग उसे ऐसे मरते हुए देखेंगे। पर एनी बोलती है कि वो तार पे चलना जानता है और तार उसकी प्रॉब्लम नहीं है, असल में वो घबरा रहा है इसीलिए वो ऐसी हरकतें कर रहा है और शायद वो बावला हो गया है। और उसी रात आधी रात में उठ के फिलिप सामान के बॉक्स में कील ठोकने लगता है, जिस पे एनी उसे रोकती है कि तुम सो जाओ और ये सब क्या कर रहे हो। पर फिलिप बोलता है कि मैं बस ताबूत में कील ठोक रहा हूँ। एनी उस पे गुस्सा के बोलती है कि तुम्हें क्या हो गया है और तुम सामान के बॉक्स को ताबूत क्यों बोल रहे हो। जिस पे फिलिप बोलता है कि क्या मालूम कहीं ये मेरे लिए ताबूत ही ना बन जाए। दोनों में बहुत बहस होती है और एनी बोलती है कि तुम्हें अपने दोस्तों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और बस तुम अपने बारे में सोचे जा रहे हो और बार बार सिर्फ बुरे ख्याल ही मन में ला रहे हो। तुमने तो कभी अपने दोस्तों को थैंक्स तक नहीं बोला क्योंकि वो तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। जिस पे फिलिप आधी रात में सबको उठाता है और सबसे शुक्रिया अदा करता है क्योंकि सब लोग उसकी बहुत मदद कर रहे थे, और सभी लोग उसकी बात सुनने के बाद फिर से सो जाते हैं। अगले दिन आखिरकार 5 अगस्त का दिन आता है और सभी लोग दिन के समय सारे सामान के साथ टावर पे जाने लगते हैं, क्योंकि अगली सुबह 6 अगस्त को फिलिप को टावर पे चलना था। सभी लोग प्लान के हिसाब से अलग अलग जाते हैं और अपने अपने हिस्से का काम करना शुरू करते हैं। और इधर टावर में जेफ फिलिप और जॉन को लिफ्ट के बाहर सिक्योरिटी रोक लेती है, क्योंकि एक कंपनी ने पूरे दिन के लिए लिफ्ट को बुक कर लिया था और बिना लिफ्ट के सामान छत पे ले जाना लगभग नामुमकिन था। और जेपी जो कि न्यूयॉर्क का ही था, वो उस बंदे को पटाने की कोशिश करता है और काफ़ी देर मशक्कत करने के बाद लेट में ही सही, पर शाम 6 बजे उन्हें सामान ले जाने का मौका मिल जाता है। ऊपर जाते ही जेपी लिफ्टमैन को वापस नीचे ले जाता है और सामान की ट्रॉली को ले जाते समय उसका एक पहिया टूट जाने की वजह से उन लोगों का काम और भी मुश्किल हो जाता है। तभी वहाँ कुछ सिक्योरिटी आ जाती है और डरने की वजह से जेपी के साथ का एक दोस्त वहाँ से भाग जाता है और सिर्फ फिलिप और जेफ ही बचते हैं। फिलिप और जेफ दोनों लोग लिफ्ट के होल में सपोर्ट पे छुप जाते हैं ताकि सिक्योरिटी के जाने तक उन्हें कोई देख ना पाए। और कुछ घंटों तक छुपे रहने के बाद वो लोग गार्ड के जाने के बाद बाहर निकलते हैं, सारा सामान एक एक करके ऊपर ले जाते हैं और जॉन को तीर चलाने के लिए इशारा करते हैं ताकि डोरी के सहारे से तार को इस पार लाया जा सके। पर अंधेरे की वजह से डोर नजर नहीं आती, इसीलिए फिलिप सारे कपड़े उतार देता है ताकि डोर उसके शरीर से टच होते ही उसे अंधेरे में मालूम चल जाए। और थोड़ी देर बाद जब उसे डोर मिल जाती है तब वो लोग काम करना शुरू करते हैं और एनी बिल्डिंग के बाहर सारी रात इंतजार करती है। फिलिप जेफ को पापा रोडी का मेजरमेंट टेप देते हुए बताता है कि तुम इसका ध्यान रखना, और तभी वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है पर दोनों लोग छुप के उससे बच जाते हैं। गार्ड के जाने के बाद वो लोग तार उस पर भेजना शुरू करते हैं, पर अचानक हाथ से तार छूटने की वजह से वो काफ़ी नीचे तक चला जाता है। फिलिप फोन के जरिए जेन से बोलता है कि एक प्रॉब्लम हो गई है, पर जेन बोलता है कि हम कुछ भी करके तार ऊपर लाएंगे और हम लोग ये काम बीच में नहीं छोड़ेंगे। सुबह लगभग हो ही गई थी पर अभी भी वायर टाइट नहीं थी, जिसका मतलब था कि काम काफ़ी लेट चल रहा था। पर कुछ ही देर बाद
फिलिप और जेफ सब लोग मिल करके तार को टाइट करना शुरू करते हैं। जेन बताता है कि एल्बर्ट भी हमें छोड़ के भाग गया है, लेकिन फिलिप बोलता है कि कोई बात नहीं, अब हम ही लोग मिलकर इस काम को पूरा करेंगे। धीरे धीरे तार टाइट होने लगता है और अब सारी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी। टावर की छत पे फिलहाल फिलिप के पास कोई भी चेंजिंग रूम नहीं होता, इसीलिए टावर के एक छोर पे खड़ा होकर फिलिप कॉस्ट्यूम चेंज करता है। पर अचानक फिलिप का कॉस्ट्यूम छत से नीचे गिर जाता है और फिलिप बहुत परेशान हो जाता है। पर फिर भी फिलिप हार नहीं मानता और बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं इन्हीं पुराने कपड़ों में तार पे चलूंगा। और आखिरकार 6 अगस्त की सुबह सुबह फाइनली फिलिप अपना पहला कदम तार पे रखता है। धीरे धीरे फिलिप को सब शांत करने लगता है, उसे हर तरफ सिर्फ बादल, तार और शांति महसूस होती है, जैसे मानो अब वहां तार और फिलिप के सिवा कोई और नहीं था। तभी फिलिप अपना दूसरा कदम तार पे बढ़ाता है और धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करता है। एक एक कदम के साथ फिलिप अपने उस सपने को सच करता जा रहा था जो सुनने में भी नामुमकिन लगता था। और पलक झपकते ही पब्लिक की भीड़ लग जाती है जो फिलिप को देखने लगते हैं। फिलिप को ऐसा लगता है जैसे मानो तार खुद उसका भार संभाल रहे हों। और फिलिप मन में पापा ओडी को शुक्रिया करता है हर उस चीज़ को सिखाने के लिए जिसकी वजह से आज फिलिप इस कर्तव्य को कर पा रहा है। कुछ ही देर बाद फिलिप नॉर्थ टावर पर पहुंच जाता है जहां उसके दोस्त उसकी फोटोज क्लिक करते हैं और पूरी पब्लिक उसके लिए तालियां बजाती है। पर ना जाने क्यों फिलिप अभी भी खुश नहीं होता, क्योंकि अभी भी फिलिप के लिए कुछ अधूरा सा रह गया था। नॉर्थ टावर पर खड़े फिलिप को ऐसा लगता है जैसे साउथ टावर उसे अपनी तरफ बुला रहा हो, और इसीलिए फिलिप वापस से तार पे चलना शुरू करता है और एक एक करके साउथ टावर की तरफ अपने कदम बढ़ाता है। करीब आधी दूर जाने के बाद फिलिप अपने कदमों को रोकता है, घुटनों को झुकाता है और सबसे पहले वो तार और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की दोनों टावर्स को सलाम करता है और फिर न्यूयॉर्क शहर की पब्लिक को सलाम करता है जो कि आज उसके दर्शक थे। पर तभी अचानक फिलिप की नज़र पड़ती है कि वहाँ पुलिस आ चुकी है। पर फिलिप डरता नहीं और एक छोर पे आके फिर से वापस घूम जाता है। फिलिप दोबारा से अब नॉर्थ टावर की तरफ जाने लगता है और आधी दूर जाने के बाद फिलिप कुछ ऐसा करने का सोचता है जो कभी भी कोई तार वाला नहीं करता। वो दोनों घुटने टेकता है और अपनी नज़र झुका के न्यूयॉर्क शहर की पब्लिक की तरफ देखता है जो कि आज उसे कर्तव्य करते हुए देख रहे थे। तभी अचानक नॉर्थ टावर पे भी पुलिस आ जाती है जो कि फिलिप को वार्न करती है कि वो अभी टावर से नीचे उतरे वरना वो तार को काट देंगे। पर फिलिप बोलता है कि मैंने हमेशा से जब भी कर्तव्य किया पुलिस ने हर बार मेरे कर्तव्य के लिए मुझे दौड़ाया, पर आज इस जगह पे कोई भी मेरा पीछा नहीं कर सकता और जब तक मेरा कर्तव्य पूरा नहीं होगा मैं नीचे नहीं उतरूंगा। इसीलिए नॉर्थ टावर के छोर पे पहुंचने के बाद फिलिप फिर से घूम जाता है और साउथ टावर की तरफ चलना शुरू करता है। पर लगातार कुछ देर पुलिस को परेशान करने के बाद फिलिप दोनों तारों के लगभग बीच में रुकता है और धीरे से तार पे ही लेट जाता है। पूरा न्यूयॉर्क शहर उसे ही देख रहा था और एनी सोचती है कि फिलिप को अब ये कर्तव्य यहीं रोक देना चाहिए क्योंकि शायद अब ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। सभी की धड़कनें बहुत तेज थीं पर फिलिप बस बादलों में और खूबसूरत शांत हवा में जैसे खो सा गया था। फिलिप के लिए ये एक ऐसा एहसास था जिससे वो दूर नहीं जाना चाहता था और उसे अब ये सब बहुत खूबसूरत लगने लगा था। पर तभी अचानक एक परिंदा आता है और फिलिप को आने वाले तूफान के लिए आगाह करके चला जाता है। फिलिप समझ जाता है कि ये ज़रूर ऊपर वाले का कोई इशारा है और तभी टावर के एक छोर से एक लकड़ी का ब्लॉक टूट जाता है और तार जोर जोर से हिलने लगता है। तभी अचानक पुलिस का एक हेलीकॉप्टर फिलिप को वार्न करता है कि उसे अभी नीचे आना होगा और अगर उसने अभी के अभी ये कर्तव्य बीच में नहीं रोका तो न्यूयॉर्क पुलिस इस तार को काट देगी। फिलिप इन सबसे बहुत डर जाता है और उसका दोस्त जेफ भी उसे लगातार समझाता रहता है कि फिलिप अब तुम नीचे आ जाओ। पर अगले ही सेकेंड फिलिप सीधा खड़ा होता है और कहता है कि सिर्फ डर की वजह से मैं अपना कर्तव्य बीच में नहीं छोड़ सकता और जब तक मैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के इन दो टावर्स को जीत नहीं लूँगा मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। फिलिप बोलता है कि मेरे तीन कदम अभी भी मेरे कर्तव्य को पूरा नहीं करते और वो पापा ओडी के बताए हिसाब से
तीनों कदमों को आराम से चलता है और साउथ टावर के छोर पे आके न्यूयॉर्क पुलिस को सब्र दिखाने के लिए शुक्रिया करता है और उनके सामने सरेंडर कर देता है। पुलिस तुरंत फिलिप को अरेस्ट कर लेती है, पर जितना भी पुलिस उसे गुस्सा थी उससे ज़्यादा उसे देखने वाला हर इंसान खुशी से हैरान था। सभी लोग बस फिलिप के लिए तालियां बजा रहे थे, यहाँ तक पुलिस ऑफिसर भी उसकी बहादुरी से हैरान थे और बोलते हैं कि शायद ऐसा कारनामा उन्होंने अपनी दुनिया में ना ही कभी देखा और ना ही कभी दोबारा देख पाएंगे। और फ्रांस में पापा रोडी भी उसकी खबर देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। कुछ ही दिन बाद न्यूयॉर्क कोर्ट फिलिप को सेंट्रल पार्क में फ्री में तार पर चलने की पनिशमेंट देता है। फिलिप भी अपने सारे दोस्तों का शुक्रिया करता है क्योंकि उन सब के बिना वो कभी भी ये चीज़ नहीं कर पाता। और एनी भी उसे बाय बोल के वापस चली आती है क्योंकि उसे भी अपना सपना पूरा करना था। और फिलिप फिलहाल न्यूयॉर्क में ही रुक जाता है और इस तरह पूरा होता है एक ऐसा कारनामा जो शायद फिर दोबारा कोई भी नहीं कर पाएगा। तो गाइस आई होप तुम लोग को आज की कहानी पसंद आई होगी, पर शायद तुम लोग को ये जान के और भी ज़्यादा शौक लगेगा कि ये कोई कहानी नहीं बल्कि सच्ची घटना है, जहां फिलिप पेटिट नाम के एक आदमी ने असल में इस कर्तव्य को अंजाम दिया था। बाकी आज का वीडियो तुम्हें कैसा लगा, ऊपर से अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। और मैं ऐसी अमेजिंग स्टोरीज और मूवीज से रिलेटेड फैक्ट्स लेके आता रहता हूँ, तो उन्हें मिस ना करने के लिए मेरे चैनल फिल्म वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर करना। साथ ही साथ मैंने कुछ बेस्ट सीरीज और मूवीज को लेके कुछ लिस्ट वीडियोस भी बनाने शुरू करे हैं, तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर हो सके तो एक बार उन्हें भी जरूर देख लेना। बाकी मिलूंगा तुम लोग से जल्दी किसी नई अमेजिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।